यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर दिया है। मेट्रो का सफर बहादुरगढ़ के लिए कितना सुहाना हो गया है, इस पर मेट्रो में सफर कर रहे लोगों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल मोर ने। हरियाणा को मेट्रो की एक और बड़ी सौगात मिल गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बाद मेट्रो बहादुरगढ़ तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन की शुरुआत कर दी है। जो मेट्रो लाइन है जो मुंडका से बहादुरगढ़ तक आएगी, इस कॉरिडोर की अगर बात करें तो आज उद्घाटन हुआ। कुल 7 मेट्रो स्टेशन रहेंगे, जिनमें से 3 मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ में रहेंगे, सिटी पार्क, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया और जो तीसरा बस स्टैंड का जो मेट्रो स्टेशन है। ये 3 मेट्रो स्टेशन हरियाणा के अंदर रहेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात हरियाणा को मिल चुकी है। इस वक्त कई स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, एक जो मेट्रो की सौगात बहादुरगढ़ के लोगों को मिली है, इस सौगात को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, मोदी जी का धन्यवाद। बहादुरगढ़ की कीमत 10 गुना बढ़ गई है, हमें बड़ा गर्व है। खट्टर साहब का धन्यवाद, नरेश कौशिक का धन्यवाद। अब जो लोग बहादुरगढ़ से या जो रोहतक से दिल्ली की तरफ जाते हैं, उनका जो आवागमन है कितना आसान हो जाएगा? कम से कम भी 1-1.5 लाख आदमियों को व्यापार में भी सब कह में फायदा होगा। स्टूडेंट जो दिल्ली पढ़ने के लिए जाते, बसों में धक्के खाते, टाइम पर नहीं पहुंचने पाते थे, 2-2 घंटे लगते थे, वो 35 मिनट में या 30 मिनट में, 20 मिनट में पहुंच सकते आराम से। बिल्कुल, अगर बहादुरगढ़ से दिल्ली में जाते थे काफी जाम होता था, कितनी निजात अब लोगों को मिल पाई? मेट्रो से जुड़ने के बाद बहादुरगढ़ दिल्ली के नजदीक होते हुए भी पहली बार दिल्ली से टच हुआ है। डायरेक्ट कोई साधन नहीं था, डायरेक्ट लोगों को टूटमा टेकरी बॉर्डर तक गाड़ी आती थी, वहां तक आती थी। मोदी जी का, खट्टर साहब का, नरेश कौशिक जी का, हम बिल्कुल जो बहादुरगढ़ के स्थानीय निवासी इस मेट्रो में सफर कर रहे हैं, आज इस मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद जो मेट्रो है, मेट्रो बहादुरगढ़ में चला करेगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक बहादुरगढ़।